हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हीट। तो पहले हम एक इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हीट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हीट को अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हीट होता है गर्म, मतलब ताप। अगर साइंटिफिकली डिफाइन करना हो हीट को तो हम कैसे करेंगे? तो हीट जो है वो एक तरह का एनर्जी होता है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और वो जो एनर्जी है वो फ्लो करता है फ्रॉम वार्मर टू दी कूलर ऑब्जेक्ट। जैसे कि अगर कोई एक वार्मर ऑब्जेक्ट है, कोई गर्म ऑब्जेक्ट है, और एक कोई कूलर ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई ठंडा ऑब्जेक्ट है, तो उन दोनों के बीच में जो फ्लो होगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी फ्लो होगा तो उसको हम बोलेंगे हीट, ठीक है। और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे विंटर में क्या होता है कि हम अगर हम घर में भी होते हैं, अगर हम इनसाइड द हाउस भी होते हैं तो हमें कोल्ड फील होता है, ठीक है। और अगर हम हाउस से अगर बाहर जाते हैं तो कैसा फील होता है? हमें वार्म फील होता है, मतलब हॉट नहीं होता, वार्म होता है। क्योंकि बाहर जाएंगे तो सनलाइट होता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में हमें वार्म फील होगा, ठीक है। और अगर समर्स में क्या होता है, गर्मी में क्या होता है कि अगर हम अपने हाउस के अंदर रहेंगे तो वार्म फील होगा, हॉट फील होगा, लेकिन अगर हम अपने हाउस के बाहर जाएंगे तो बहुत ज्यादा हॉट फील होता है, हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है। तो फिर हम जो विंटर में क्या करते हैं कि हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। वूलन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि वूलन क्लोथ्स जो है वो हमारी बॉडी को गर्म रखता है, हमें बॉडी को वार्म रखता है। और हम समर्स में हम कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। कॉटन के क्लोथ्स हम प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो है वो हमारी बॉडी को कूल रखता है, ठीक है। तो कॉटन क्लोथ्स अगर हम पहनेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारे बॉडी का जो हीट है, हीट जो बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। और उसी तरह से जो हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं जिससे हमारी बॉडी वार्म रहती है, तो वहां पर क्या हो रहा है वूलन क्लोथ्स से कि जो हमारी बॉडी का जो हीट है वो मेंटेन रहता है। इसलिए जो विंटर में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं और समर्स में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। और इनके बारे में हम आगे के वीडियोस में भी पढ़ेंगे डिटेल में कि क्यों होता है, यहाँ पे कैसे एनर्जी का फ्लो हो रहा है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है और कोई भी ऑब्जेक्ट कोल्ड है, तो ये हमें कैसे पता चलता है, हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे? तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं, जैसे अ कप ऑफ टी है, वो हॉट होता है। अगर हम उस कप ऑफ टी में एक स्पून डाल देंगे तो जो स्पून होता है वो भी हॉट हो जाएगा। हॉट ज्यादा नहीं होगा लेकिन वार्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे भी फ्लो ऑफ एनर्जी हो गया। जो हीट था वो उस कप में, उस टी का जो हीट था वो ट्रांसफर हो गया स्पून में, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे फ्लो हो रहा है वो आगे मैं बताऊंगी आपको डिटेल में। और उसके बाद जैसे कोई फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन को हीट करते हैं तो उसका जो हैंडल होता है वो भी हीट हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, वो भी हॉट हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो एनर्जी है वो भी फ्लो कर रहा है, तो ठीक है, हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है हैंडल तक, ठीक है। उसी तरह से जो कोल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आइसक्रीम हो गया, तो आइसक्रीम क्या होता है, वो कोल्ड होता है। और फ्रूट जूस क्या होता है, फ्रूट जूस भी कोल्ड होता है, मतलब कूल होता है। कैसे? उसको टच करके नहीं पता चल रहा, टच करके हम नहीं डिसाइड करते कि ये जो फ्रूट जूस है ये कूल होता है या कोल्ड होता है। उसको जब हम ड्रिंक करेंगे तो उसके बाद जो हम फील करते हैं उससे हमें पता चलेगा कि ये कूल है, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना ज्यादा हॉट है, या कोई ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना ज्यादा कोल्ड है, ठीक है। तो विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर ऑब्जेक्ट, और विच ऑब्जेक्ट इज कोल्डर देन द अदर्स, ठीक है। तो इसको हम एक एक्टिविटी से समझेंगे जिससे ये चीज क्लियर हो जाएगा। जो होता क्या है कि हम तीन कंटेनर लेंगे और उसको लेबल कर देंगे ए, बी और सी, ठीक है। तो लेबल ए में जो ए कंटेनर है, ए में हम डालेंगे हॉट, ए में डालेंगे कोल्ड वाटर, जो बी है उसमें हॉट वाटर,
और जो सी है उसमें हम थोड़ा हॉट वाटर डालेंगे और थोड़ा कोल्ड वाटर, मतलब मिक्स वाटर होगा। उसके बाद क्या है, जो कोल्ड वाटर है, जो कोल्ड वाटर का जो कंटेनर है उसमें अपना लेफ्ट हैंड को डिप करेंगे, ठीक है। और जो जो बी कंटेनर है जिसमें हॉट वाटर है उसमें राइट हैंड को डिप करेंगे, टू से थ्री मिनट्स तक उसको डिप करके रखेंगे अपने हैंड को। उसके बाद क्या होगा कि जो कोल्ड था तो उसका तो पता चल रहा है हमें, वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो कोल्ड है वाटर, ठीक है। और जब हॉट वाटर में अपना राइट हैंड जब हम उसमें पुट कर रहे हैं तो उससे भी पता चल रहा है, हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो हॉट वाटर है। लेकिन जो सी में क्या हो रहा है, जो सी कंटेनर में जिसमें मिक्स वाटर है उसमें जब अब दोनों हैंड अब एक साथ अगर हम डालेंगे तो फिर क्या होगा कि हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये जो वाटर है वो हॉट है या कोल्ड है। तो वैसे केस में, वैसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हमें मेजर करना पड़ता है। तो हर वक्त हम टच करके नहीं पता कर पाएंगे, टच करके नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है या हॉट है। तो जब हम डिसाइड नहीं कर पाए कि कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा हॉट है या कितना ज़्यादा कोल्ड है तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस, कोई ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा हॉट है वो हम टेम्परेचर से पता कर सकते हैं। तो टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, किससे करते हैं, क्या मतलब क्या हम एपरेटस यूज करते हैं, क्या चीज यूज करते हैं जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, वो होता है थर्मोमीटर। जो थर्मोमीटर है उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस हम मेजर कर सकते हैं। थर्मोमीटर जो थर्मोमीटर होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। जो फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, और जो सेकेंड होता है उसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर पाए उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं। और जो हम अदर ऑब्जेक्ट्स का जब हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज होता है, ठीक है। तो इन दोनों थर्मोमीटर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपने आगे के वीडियोस में, ठीक है।